यूपी SSSC पिकअप भवन पर 3 तारीख को हुआ धरना अब तक का सबसे विशालतम धरना माना जाएगा और ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। स्वागत है आपका आपके चैनल अचीवर 365 पर और आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्या रहा पूरे धरने का असर और क्या रही अब तक की अपडेट, क्या होगा इसके बाद धरने के बाद और क्या फिर से कई बार धरना करना पड़ेगा या कुछ आयोग के अंदर सुधार आएगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आयोग से बिल्कुल ताज़ा खबर अभी चल के आ रही है, वो यही है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं और वही चीज़ें आज भी निकल कर आ रही हैं। यानी कि उन्होंने सबसे पहले लोअर 2019 के रिवाइज आंसर की के बारे में बोला था और इसके बारे में देखिए अगर पुराना वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बोला है कि 15 जनवरी तक आपका रिवाइज आंसर की ही जारी होगा और यही उन्होंने बोला है कि 15 जनवरी तक रिवाइज आंसर की लोअर PCA 2019 का जारी करेंगे और जनवरी में ही लोअर PCA 2019 का रिजल्ट भी देंगे, मतलब रिवाइज आंसर की के बाद कुछ दिन के बाद वो रिजल्ट भी जारी करेंगे। दूसरा, इन्होंने जूनियर असिस्टेंट 2016 के लिए जो अपडेट दिया है वो ये दिया है कि उनका भी रिजल्ट जो है जनवरी में जारी किया जाएगा और एग्जैक्ट डेट तो आप बिल्कुल भी मत जानिए कि कब है, लेकिन हाँ ये जान सकते हैं कि 15 से 20 जनवरी के बीच में ये रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है, वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही लगभग बताया मैंने। दूसरी बात, एक और जो अपडेट बड़ी है वो ये है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का DV फिलहाल जनवरी में नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए आपको मैं बताऊं, जब जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एक नोटिस आएगा आपके DV के लिए और ये चीज़ भी मैंने आपको पहले ही बताई है कि 16 के रिजल्ट के बाद ही आपका DV होगा। अगर 16 का रिजल्ट पहले आ जाता तो आपका DV जल्दी होता, लेकिन 16 के रिजल्ट में ही थोड़ा सा ये टाइम लगाएंगे, 15 जनवरी तक ये जाएंगे ज़रूर। तो आप ये जानिए कि आपका जो DV के लिए नोटिस है वो 20 जनवरी के आसपास आएगी, 20 जनवरी के पास आसपास नोटिस और फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं पॉसिबल होगा। और आबकारी का रिजल्ट भी ये लोग जो है जारी करने की कोशिश करेंगे जनवरी और फरवरी में। तो इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि लेखपाल का नोटिफिकेशन भी आपको इस हफ्ते हर हाल में मिल जाएगा और लेखपाल के नोटिफिकेशन के बाद जो है इसकी एग्ज़ाम डेट की घोषणा जो है, ये मानिए कि आज आचार संहिता लागू होने के बाद, कहने का मतलब जब इलेक्शन की डेट आ जाएगी उसके बाद ही घोषित करेंगे, जैसे इलेक्शन की डेट और एग्ज़ाम की डेट जो है एक साथ ना पड़े। तो अब तक की अपडेट के लिए यही है कि जनवरी में आपको 2 से 3 रिजल्ट और 1 से 2 नोटिस, एक्स्ट्रा नोटिस जिसमें कि आपका DV शेड्यूल या फिर जो है लेखपाल का नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके लिए आप जो है थोड़ा सा इंतज़ार जरूर कर लीजिए और बाकी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अचीवर 365। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।